राजधानी रांची में आज से ऑटो और ई रिक्शा नहीं चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और आरटीए सचिव ने राजधानी को 4 जोन में बांटकर ऑटो के लिए 17 और ई रिक्शा के लिए 113 रूट का निर्धारण किया है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और आज से बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। हालांकि आपातकाल में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो व ई रिक्शा इस हड़ताल से छूट रहेगी। वहीं मालवाहक ऑटो भी इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे। इधर ऑटो और ई रिक्शा के नहीं चलने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे और अभिभावक भी खासा परेशान दिखे। क्यों पैदल आ रहे हैं? ऑटो क्यों नहीं? ऑटो नहीं, कहाँ जा रहे थे? बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। किलोमीटर का दिया अकाउंट से बाहर। आप लोग क्या चाहते हैं? जो पहले था वैसे ही चले। हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी हम लोग को पकड़ाता है, थाना में ले जाता है, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 मांगता है। हम लोग गरीब आदमी, 2-3 दिन पर कहाँ से लाएंगे? इसी चलते हम लोग चक्का जाम किए हैं। फिर जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं होगा तब तक। जोर से बताइए क्या बोल रहे हैं। परिचालन के लिए जिला प्रशासन एक विशेष तैयारी करने जा रही है, जिसके खिलाफ ऑटो संचालक, ऑटो जो चालक है वो विरोध में है। और आज इसी के विरोध में ऑटो चालकों ने आज हड़ताल कर दिया है। राजधानी रांची में एक भी ऑटो का परिचालन किसी भी रूट पर नहीं हो रहा है, जिससे सीधे तौर पर जो आम राहगीर है, जो ऑटो में सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, पहुंच पाते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रातू रोड का चौक का यह नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ऑटो जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, जबकि आए दिन यहाँ पे ऑटो की जो है वो भीड़ होती है, ऑटो यहाँ पे लगा हुआ रहता है और ऑटो ही एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, लोग अपने एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी पैसेंजर हैं, उन लोगों को जो पैदल चल रहे हैं, उन लोगों सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन हमें जो हमारा 20 किलोमीटर का परमिट है, उस परमिट को 3 किलोमीटर रूट में निर्धारित करने वाला है, जिसके विरोध में हम लोग बंद किए हैं। हम लोगों को चाहिए 20 किलोमीटर की परमिट, जो हमें पहले नगर निगम के द्वारा मिल चुकी है। हम लोगों ड्राइवर भाई जितने भी हैं, सब गरीब हैं, सब इधर उधर से कमाने के लिए आए हुए हैं रांची में, और हमारा परमिट को अगर रद्द कर दिया जाएगा तो हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये मैं जिला प्रशासन से जानना चाहता हूँ। चूँकि मैं रातू रोड तक ही ला पाऊँगा, उसके बाद उन्हें फिर से गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। स्टेशन जाते जाते वो 4 गाड़ी चेंज करेंगे, तब वो स्टेशन पहुँचेंगे। तो जिला प्रशासन ने तैयारी की है खासतौर पे ऑटो का परिचालन को लेकर, जिसके बारे में ऑटो चालक के द्वारा, संघ के द्वारा बताया गया कि राजधानी रांची में पहले 20 किलोमीटर की दूरी तक ऑटो का परिचालन के लिए जो है परमिट दिया गया था, जिसे घटा करके 3 किलोमीटर तक करने की जो योजना है वो जिला प्रशासन की है। और जाहिर सी बात है कि जिन पैसेंजर को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक सफ़र करना हो और अपने गंतव्य तक पहुंचना हो, तो जो जिला प्रशासन के द्वारा जो परमिट देने की बात है 3 किलोमीटर की, तो जाहिर सी बात है कि उन पैसेंजर को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 2 या 3 ऑटो चेंज करना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैश के साथ में दीपक उरांव, न्यूज 11 भारत, रांची। राजधानी रांची में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।